लास्ट 6 to 7 month रिमेनिंग फॉर दी कैट 2023 एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, हाउ टू स्कोर 95 to 99 percentile इन नेक्स्ट रिमेनिंग डेज, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो. सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड दोज हू आर टारगेटिंग फॉर कैट एंड दी नॉन कैट एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो एज आई ऑलवेज से, कैट का एग्जाम सबसे ज्यादा इजी एग्जाम है, आप जितने भी एमबीए एंट्रेंसेस देख लो. सो कैट इजी एग्जाम क्यों है वो पूरे इस वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैट में स्कोर लाना, परसेंटाइल लाना काफी इजी है. ठीक है, सो ये वीडियो को अच्छे से देखो और कैसे कैट को प्रिपेयर करोगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा, आराम से आपका कैट निकलेगा. ठीक है, अपने को ये ध्यान देना है कि कैट एग्जाम डिमांड्स एक्यूरेसी, ये जितना जल्दी आप समझ लो उतना आपके लिए बेटर होगा. अपने को ज्यादा अटेम्प्ट, मैक्सिमम अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना, वो तो सबसे बड़ी गलती है जो मैक्सिमम जनता करती है. अपने को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कभी करने ही नहीं है और वो आपको सोचना भी नहीं है, ये दिमाग में रख लो आप. आपको लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बट मेक श्योर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतनी एक्यूरेसी पे अपने को काम करनी है. ठीक है, सो दो जो आप प्लानिंग टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स या जस्ट स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन, जो जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको अच्छे से फॉलो करो, आप अच्छा स्कोर डेफिनेटली लेके आओगे. आईएम के लिए टारगेट कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल गेट द आईएम, या तो फिर दूसरे कोई एमबीए कॉलेजेस, एसपी जैन हो गया आपका, एमडीआई गुड़गांव, एफएमएस हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, या जो भी अदर कॉलेजेस आप टारगेट कर रहे हो, परसेंटाइल आएगा आपका, डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम टॉप मोस्ट कॉलेजेस. नेक्स्ट इज वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विद रिगार्ड टू योर एमबीए एंट्रेंस प्रिपरेशन. सो एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च बैचेस. If you are Mumbai based, you can visit our center Dadar, Borivali, Vasai and Thane for the classroom coaching. But if you are not Mumbai based, you can check out our online live classes. Okay, this is what the complete teaching curriculum which you will be getting for your preparation. So all this information I have mentioned in description, kindly check the description. Alright, so before we proceed, let's discuss about the pattern. Pattern samajh lete hain aur uske baad kitne question attempt karoge, score versus percentile also I will be discussing. Overall 98 marks ka paper aapka hoga, theek hai. नंबर ऑफ क्वेश्चन 66, तो 66 इंटू 3 198. ठीक है, सो 198 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा. एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, नॉन एमसीक्यू वाले दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे. एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड, 120 मिनट में आपको पेपर खत्म करना है. वीएआरसी से वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 24 क्वेश्चन, जो कि आपको 40 मिनट्स में कवर करना है. एलआरडीआई लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन 20 क्वेश्चन 40 मिनट्स. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 22 क्वेश्चन 40 मिनट्स में. सो ओवरऑल 120 मिनट्स में आपको ओवरऑल 66 क्वेश्चन खत्म करने हैं. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पैटर्न. ओके, अभी थोड़ा सा प्री वर्क क्या क्या चालू कर देना, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट. सबसे पहले तो आपका बेसिक कैलकुलेशन इंटैक्ट करो. कैट का एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम होता है, आपको ये समझना होगा कि सीईटी की तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. कुछ क्वेश्चन आपको इजी नहीं, मॉडरेट लेवल के दिखेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको ट्रिकी साइड ही दिखेंगे. ट्रिकी इसलिए कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो एग्जाम टफ नहीं है, पेपर टफ नहीं है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है. ठीक है, सो मैथ्स के लिए सबसे पहले तो आई वांट आपका बेसिक कैलकुलेशन सही हो. सो आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे वॉच स्पीड मैथ्स वीडियो, स्पीड मैथ्स का वीडियो, परसेंटेज का वीडियो एंड सिंप्लीफिकेशन, सो दैट योर फंडामेंटल गेट इंटैक्ट. बेसिक पे पहले काम कर लो. ठीक है, तो ये मैथ्स में ये काम करना है आपको. बाकी जैसे जैसे आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, चाहे आपने क्लासरूम या लाइव बोर्ड में ज्वाइन किया हुआ या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स हो रहे हैं उसकी प्रैक्टिस, उसका टेस्ट, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, ये आपको डेली बेसिस पे करते रहना है. ठीक है, 6 से 7 महीने में आराम से आप प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो निकाल दोगे एग्जाम. ठीक है, दूसरा वीएआरसी के लिए रीडिंग प्ले वेरी वाइटल रोल. मतलब 16 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सिर्फ और सिर्फ आएंगे आउट ऑफ 24 क्वेश्चन. 8 क्वेश्चन आपका वर्बल का होने वाला है. ठीक है, सो जितना रीडिंग पे काम कर सकते हो उतना करो. द हिंदू इज द बेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया. कैट निकालना है द हिंदू चालू कर दो. पेज 1 जस्ट अपडेट विद द करंट डेटा एंड एडिटोरियल पेज. इसके अलावा कोई पेपर छूना भी मत. ठीक है, तो आपका रीडिंग स्पीड प्लस कॉम्प्रिहेंशन स्किल दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो वीएआरसी सेक्शन स्कोरिंग है, क्वांट और इंग्लिश, ये दो ही जगह पर स्कोर बढ़ेगा, बाकी आप एलआरडीआई में स्कोर मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे. कट ऑफ निकालो, बड़ी बात है. ठीक है, तो बेसिक ऑफ डीआई एंड बेसिक ऑफ अरेंजमेंट पजल आपके मेन्यूअर के बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, स्टार्ट सॉल्विंग इजी लेवल क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बेसिक चीजें फंडामेंटल पे काम करना चालू करो. जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो मैं मई में शूट कर रहा हूँ, जब भी मेरा आप ये वीडियो देख रहे हो, इस तरीके से आपका प्रिपरेशन चालू करना. पहले बेस सही करना, एक बार फाउंडेशन आपका अच्छा होगा देन फर्दर इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल.
सो ओवरऑल जो मार्क्स है वो है 198, जिसके लिए आपको 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. दिस इज व्हाट द मार्क्स एंड दिस इज व्हाट द परसेंटाइल. आप कैट के एग्जाम में 50% मार्क्स लेके आ जाओ, ये इसका आधा, रफली 99 के आसपास का स्कोर लेके आ जाओ, 99, 98 या 100 बोल लो आप, ये आपका बनने वाला है 99 परसेंटाइल, आधा मार्क्स, 50% मार्क्स. लग रहा है इजी? 50% मार्क्स लेके आना है अपने को खाली. 50% मार्क्स में आपको ये परसेंटाइल आराम से मिलेगा. अगर आपने रफली 84 से 86 के बीच का मार्क्स स्कोर किया तो आपका परसेंटाइल बनेगा 98 के आसपास. इफ यू आर स्कोरिंग नियर टू 75 मार्क्स, 75 मार्क्स आसपास लेके आ रहा, तो 95 परसेंटाइल. ये 99 पे आपको एबीसी छोड़ के बाकी सारे आईएम एंड टॉप बी स्कूल से कॉल आएगा. 98 पे आपको इंदौर कॉल कर देगा, बाकी दूसरे भी जो टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं और दूसरे जो आईएम्स हैं, लाइक कोझिकोड़े हो गया, लाइक शिलोंग हो गया, रोहतक हो गया, दूसरे आईएम से आपको कॉल आ जाएगा. 95 पे भी आपको डिसेंट लेवल का कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा. सो अपना टारगेट है 95 से लेके 99 के बीच में अगर आप परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो ये आप स्कोर लेके आ जाओ, आराम से हो जाएगा. अब स्कोर आएगा कैसे वो भी मैं आगे बताता हूँ. बहुत इजी तरीके से होगा, प्रोवाइडेड आप डे वन से एक्यूरेसी पे काम करना चालू कर दो. सब पढ़ना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, वो हम करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हमें सेफ प्ले करना है बिकॉज इट इज कैट, विच मीन्स हर सेक्शन के अगर आपने 10-10 क्वेश्चन राइट कर दिए तो ओवरऑल ये कितना हो गया, 30 क्वेश्चन राइट, 30 × 3 पर क्वेश्चन 3 मार्क्स राइट, तो 90 मार्क्स. मतलब आप 98 प्लस परसेंटाइल पर रहोगे, ठीक है. और आपने अगर 2-3 क्वेश्चन और राइट कर दिए 33 के आसपास, तो 99, मतलब ये 99 प्लस परसेंटाइल आपका बाई डिफॉल्ट बन गया. पूरे क्वेश्चन में राइट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर सेक्शन पहले 10-10 क्वेश्चन राइट करने पे ट्रिगर करो, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए. और इसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन को वैल्यू करना पड़ेगा. हम होता क्या है कि हम तुक्का मटका पे रह जाते हैं, कैट में तुक्का मटका नहीं चलेगा बॉस, नेगेटिव मार्किंग है. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट सेक्शन. जितने लोग का मैथ्स वीक है या तो मैथ्स में एवरेज हो, तो ये जो मैं बताने वाला हूँ प्लीज फॉलो कर लेना, आपका स्कोर अच्छा बनेगा यहाँ पे, ठीक है. तो इस सेक्शन से आएंगे आपके 22 क्वेश्चंस, ठीक है, 22 क्वेश्चंस आने वाले हैं. अपने को इंटरेस्ट कितना है 10 क्वेश्चन राइट करने में, तो मैं 10 to 15 पकड़ता हूँ, 10 to 15 राइट करने, तो अपन 15 क्वेश्चन राइट करने पे मेहनत करते हैं. आपका अरिथमेटिक से रफली 10 to 11 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सिर्फ अरिथमेटिक से. अलजेब्रा रफली 5 to 6 क्वेश्चन, फॉलोड बाय ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, यहाँ से रफली 3 to 3 प्लस क्वेश्चन रफली आप पकड़ लो. उसके बाद नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स, एक एक क्वेश्चन, ये 1 से 2 क्वेश्चन, दिस इज द रफ ब्रेकअप आई एम गिविंग यू, ठीक है. तो बेसिकली पहला काम अपने को क्या करना है, ये जो 10 मार्क्स मिलने वाले 10 से 11 अरिथमेटिक, इस पर मेहनत कर लो. उसके बाद अलजेब्रा पे आ जाओ, मतलब ये दोनों मिला लोगे तो रफली अपना 15 से 16 मार्क्स की तैयारी हो गई, जो एक्चुअली में अपने को चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि इसमें से पूरा ही राइट होगा अपना. तो थोड़ा सा साइड चलते हैं, ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन पे तो काम कर ही लेते हैं, ठीक है ना. तो आप ये 3 सेक्शन पे ज्यादा फोकस करो, फॉलोड बाय ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स, इसको लास्ट में रखो, ठीक है. अपने को ऐसा नहीं कि सब छोड़ देना है, पढ़ के ले लो. हो सकता है कि मॉडर्न मैथ्स से इजी लेवल का क्वेश्चन आ गया, नंबर सिस्टम से इजी लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो अपने को पता होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है. तो इसमें से आपका मेजर फोकस होना चाहिए अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे मैं काम कर लूँ. अपने को 10 to 12 क्वेश्चन भी राइट हुआ अपनी नैया पार है, और ये लाना बहुत बड़ी बात नहीं है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले द गेम. अगर आप कैट इज ऑल अबाउट प्लेइंग द गेम, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 22 में से सिर्फ आपको 10 से 12 क्वेश्चन राइट करके आना है, और वो आराम से होगा अगर आप अपने एक्यूरेसी पे काम करना चालू करोगे तो. तो क्वांट के अंदर जितना हो सकता है कंसेप्ट पे काम करो, प्रैक्टिस करो सेम टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 बार, एंड उसके बाद टेस्ट लिखो, एनालिसिस करो, एंड फुल लेंथ मॉक लिखना चालू करो, ठीक है. नेक्स्ट इज माय फेवरेट सेक्शन, विच इज नथिंग बट वीएआरसी, मतलब ये स्कोरिंग सेक्शन है. 24 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 16 क्वेश्चन आपके आएंगे आरसी से, 8 आएगा आपका वर्बल से. मुझे वर्बल में एक्चुअली बोले तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे आरसी में इंटरेस्ट है यार, डिटेल में रीड करना है, मतलब क्वेश्चन भी उधर ही दिया है, आंसर भी उधर दिया है. तो अगर अपना खोपड़ा चलता है, अपने को कॉम्प्रिहेंशन स्किल अपनी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी है, अपनी रीडिंग की हैबिट अच्छी है, तो आप फोड़ दोगे यहाँ पे, ठीक है. तो 16 आरसी के क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे आरसी आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है.
तो इस पे ज्यादा मेहनत करो। ये कोशिश कर लो कि 10 क्वेश्चन मैं राइट यहाँ पे ही कर लूंगा आरसी में, बाकी जो 8 क्वेश्चन है ये बोनस जाएंगे मेरे लिए। तो इसमें पीजे है आपका पैराग्राफ जंबल, ठीक है, समरी हो गया, कंप्लीशन एंड ऑड मैन आउट, ठीक है। कभी कभी आरसी के अंदर क्रिटिकल वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, अजम्पशन आर्गुमेंट टाइप इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कर लेना इसको। सो जितना हो सकता है रीडिंग पे फोकस करो, डेली बेसिस पे 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग चालू कर दो, 1 से 1.5 घंटा, और डेली का 1 से 2 आरसी प्रैक्टिस करना चालू करो। आपके मेनू के बुक में आरसी है, लॉग इन करो, आपके डैशबोर्ड पे 500 क्वेश्चन का हैंडआउट है, और डिफिकल्टी लेवल मतलब अलग ही लेवल की है, तो आप प्रैक्टिस करा लो 500 क्वेश्चन। आप आरसी में इंग्लिश में अच्छा करोगे, और ये स्कोरिंग सेक्शन है, यहाँ पे आप कोशिश करो कि 15 के आसपास राइट करके आओ। आपको याद रखना है कि आप जो स्कोर लेके आओगे वो क्यूए क्वांट में एंड वीएआरसी इंग्लिश में यहाँ पे आएगा, एलआरडीआई में भूल जाओ, एलआरडीआई में कट ऑफ निकाल लो बड़ी बात है, ठीक है। सो इंग्लिश के लिए मोर ऑफ रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, बाकी वोकैब वाले क्वेश्चन एंड आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं आता आपके कैट के एग्जाम में, कैट का एग्जाम मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। एंड लास्ट इज एलआरडीआई सेक्शन, डीआई से ये सारे टॉपिक, एलआर से ये सारे टॉपिक, 2 सेट यहाँ से 10 क्वेश्चन, 2 सेट यहाँ से 10 क्वेश्चन। सो एलआरडीआई के लिए इट रिक्वायर मोर ऑफ अ प्रैक्टिस, ठीक है, बट अगर आपका पूरा क्वांट अच्छे से करके हुआ है तो मेरा सजेशन ये है कि इसको आपको ड्रिल डाउन करना है कभी अगस्त से, अगस्त सितंबर से, बिकॉज लास्ट के 2-3 महीना पहले इसको फोड़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, सो दैट एग्जाम तक सब चीज़ें याद रहे। तो एलआर का प्रॉब्लम ये है कि अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन पहले नहीं करने, मतलब पहले आप अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो, नॉट एन इशू, बट इसको ज़्यादा ग्रिल करना, ज़्यादा प्रैक्टिस करना, इस पर ज़्यादा फोकस करने का जो टाइम है एग्जाम के 2-3 महीना पहले वाला, वो बहुत सही टाइम है इसके लिए। तो आपको टाइमिंग भी पता होना चाहिए किस सेक्शन पे मैं कब काम करना है मुझे, ओके। और जो मैंने कट ऑफ भी बताया है आपको कि 50% आपका 99 हो जाएगा, ये भी आपका डिपेंड करेगा कि उस साल का पेपर टफ कितना था और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मोस्टली यही रेंज रहता है आपका स्कोर का। बट अगर पेपर टफ आ गया तो स्कोर गिरेगा, कम नहीं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं जाएगा, कम होगा स्कोर। मतलब जो मैंने आपको बताया कि आधा 50 मतलब 98% 90 मतलब 98 के आसपास का जो स्कोर है वो 99% हो जाएगा, वो नीचे आ सकता है, 80 के आसपास आ सकता है। तो ये वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, बट हाँ आइडियली ये स्कोर रेंज अगर आप मेंटेन करते हो तो आप विन विन सिचुएशन में डेफिनेटली रहोगे, ठीक है। सो प्रिपरेशन वाइज मई चल रहा है, फेज वाइज प्रिपरेशन प्लान कर लो, 2-2 महीने का टाइमलाइन ले लो। नवंबर में अपना एग्जाम है, ये आपका फेज 1, ये आपका फेज 2 और ये आपका फेज 3, ठीक है। तो एक तो पहले डेली बेसिस पे अपना पढ़ाई चालू करो, मतलब बेसिक चीज़ें, रीडिंग का पार्ट हो गया आपका, बेसिक ऑफ मैथ्स हो गया आपका, बेसिक ऑफ पजल की प्रैक्टिस, ये सब बेसिक चीज़ें आप चालू कर दो, ठीक है। तो फेज 1 में कोशिश करो कि आपका मैक्सिमम कंटेंट मतलब 40% कंटेंट खत्म हो जाए, फेज 2 60% बचा हुआ जो है, 60 या 50% आप पकड़ लो, 50 to 50%, बाकी का 10% यहाँ पे। हाँ, और मॉक लिखना भी आप ग्रेजुअली, 1 महीने में 1 मॉक लिखो बट चालू कर दो, मई और जून में 1-1 लिखो, उसके बाद जुलाई से आप 2 मॉक पर मंथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना कि सितंबर अक्टूबर इज ऑल अबाउट दी मॉक एनालिसिस रिविजन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन पे काम करने का। जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो 4 महीने ये है, तो जितना जल्दी हो सके आपकी पढ़ाई चालू कर दो, अगर कर दी है तो ये जो मैंने फ्लो बताया हुआ इस फ्लो में चालू कर दो। बाकी मेन्यूअर आपने ज्वाइन किया लाइव या क्लासरूम, स्टडी मटेरियल विल बी गेटिंग, शॉर्टकट विल बी लर्निंग, डाउट क्लास, मोटिवेशन यार कैट के लिए क्या, किसी भी एंट्रेंस के लिए आपको मोटिवेशन लगेगा, सो मोटिवेशन वर्कशॉप विल बी देयर, एंड एंड ऑब्वियसली विल बी क्रैकिंग द एग्जामिनेशन एंड विल बिकम द टॉपर, एंड टॉपर्स का भी पॉडकास्ट विल बी देयर अलॉन्ग विद द कैट। वन मोर एडवाइस, दूसरे नॉन कैट के एग्जाम भी लिखो, जैसे सीमैट हो गया आपका, महाराष्ट्र का सीईटी हो गया आपका, सिम्बायोसिस हो गया आपका, एनमैट हो गया, तो ये सारे एग्जाम भी अपने को लिखने हैं। हाँ, बट फोकस में आप कैट रखना है, नॉट एन इशू, बट ये सारे एग्जाम्स को भी लिखना है अपने को, बैकअप का बैकअप रेडी करके रखना है, ओके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी कैट एंड हाउ टू इजली गेट 95 to 99 परसेंटाइल। इट इज ऑल अबाउट दी माइंड सेट, ऑल अबाउट दी स्ट्रैटेजी पार्ट, कैसे आप हर सेक्शन को डिकोड कर रहे हो एंड ओवरऑल कैट के पेपर को कैसे डिकोड कर रहे हो। पूरा पेपर अटेम्प्ट किसी ने नहीं करना, आप भी वो गलती बिल्कुल मत करो। आप सिलेबस अपने को कवर करना है, बट आपको ये भी समझना है कि मुझे कट ऑफ भी निकालना है, प्लस मुझे 100 के आसपास का स्कोर लाके 99+ परसेंटाइल पे जाना है, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन वाइज ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आई मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, बोरेली वसई दादर एंड थाने फॉर द क्लासरूम कोचिंग एंड ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। फॉर एनी डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।